हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने कहा, बंद सड़कों के लिए केंद्र सरकार है जिम्मेदार। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि बंद सड़कों के लिए किसान नहीं बल्कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि राज्य ज्यादा टेढ़ी है और हमारी मांगे नहीं मान रही है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सड़कों पर आवाजाही को रोका नहीं जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट से केंद्र सरकार ने कहा, व्हाट्सएप जैसी विदेशी कंपनी भारत के कानून को चुनौती नहीं दे सकती। जी हां, नए आईटी कानूनों के खिलाफ व्हाट्सएप की याचिका का विरोध करते हुए केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप एक विदेशी कंपनी है और यह किसी भी भारतीय कानून की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दे सकती है। केंद्र सरकार ने कहा कि व्हाट्सएप आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार समेत अन्य अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यूपीएससी के सफल उम्मीदवारों को अपनी पसंद का कैडर पाने का अधिकार नहीं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सफल उम्मीदवारों को अपनी पसंद का कैडर पाने का अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश में तैनात आईएएस अधिकारी ए सायनामोल को उनके गृह कैडर केरल में तैनाती देने का निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ केंद्र ने अपील की थी। डबल होने वाला है पीएम किसान की रकम, यह है सरकार का प्लान। जी हां, दिवाली से पहले केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की रकम को दोगुनी कर सकती है। अगर इस प्रस्ताव पर सहमति होती है तो किसानों को सालाना 6,000 रुपए की जगह 12,000 रुपए मिलेंगे। अगर किसान योजना की रकम दोगुनी होती है तो किसानों को मिलने वाली किस्त 2,000 रुपए से बढ़कर 4,000 रुपए हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर होगा अयोध्याबाद कैंट। जी हां, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का फैसला किया है। शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके इसकी सूचना दी है। सीएमओ ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का फैसला किया है। आर्यन खान ने कहा, एनसीबी मुझे दोषी साबित करने के लिए मेरी व्हाट्सएप चैट की गलत व्याख्या कर रहा। जी हां, बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अपनी जमानत याचिका में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने दावा किया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी उन्हें दोषी साबित करने के लिए उनकी व्हाट्सएप चैट की गलत व्याख्या कर रहा है। एक विशेष एनडीपीएस कोर्ट द्वारा बुधवार को आर्यन की जमानत याचिका खारिज करने के बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी। किसानों को लेकर महंगाई तक, राहुल ने कई मुद्दों पर मोदी सरकार पर साधा निशाना। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर कई मुद्दों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह प्रमुख मुद्दों पर काम करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि किसान परेशान है, महंगाई आसमान पर पहुंच गई है, सीमाओं पर टकराव है, भारत अभी भी महान है लेकिन केंद्र सरकार विफल रही है। यूपी सरकार ने कहा, छात्रों के माता पिता के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करेगी यूपी सरकार। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के अभिभावकों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर और स्कूल बैग खरीदने के लिए सीधे पैसे ट्रांसफर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।